हेलो भाईलो, आ गया फैक्ट भाई, आ गया आपको ये बताने कि 12 मूवीज, 16 टेलीविजन शोज और 9 वेब सीरीज में काम करने वाली ये एक्ट्रेस 2006 तक लड़की नहीं लड़का थी। लगाना 440 वोल्ट का कड़कता भड़कता झटका, लेकिन असली बिजलियां तो आप पर तब गिरेंगी जब आप ये जानोगे कि कोई मिल गया में प्यारी सी बच्ची का रोल निभाने वाली ये अदाकारा आज बॉलीवुड टू साउथ मूवीज में जितनी फेमस नहीं उतनी ये पॉर्न साइट पर अपने एक वीडियो के लिए है। लेकिन कैसे, ये जवाब आप मुझसे मांगो, उससे पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सो क्या कुछ कुछ होता है कि स्टार सना सईद को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखकर आपने भी सीढ़ियां मारी हैं? वेल ग्रेट, पर शायद आपको ये नहीं पता कि उस मूवी से कुछ कुछ होता है कि एक और चाइल्ड एक्टर का नाम जुड़ा था। यस, वही एक्टर जो तारे गिनता रहता था। पर वो आज भी तारे गिन रहा है या नहीं, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो टाइटल। Where are these kids actors now? Number one, कुछ कुछ होता है। ये पिद्दू सा बच्चा। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। जिसने पूरी मूवी में सिर्फ एक डायलॉग मार के काजोल को ही नहीं पब्लिक को भी रुला दिया था। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इसी की बात की थी क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ सना सईद ही नहीं फरजान दस्तूर भी शामिल थे। और इन दोनों चाइल्ड एक्टर्स में फर्क बस इतना सा था कि एक पर्दे के आगे मौजूद थी और दूसरा पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। जी हाँ, कुछ कुछ होता है कि इन दोनों सितारों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। जहाँ सना फिर से पर्दे के सामने आकर लोगों के दिलों पर छा गईं, वहीं 30 साल के फरजान को अब एज राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने करियर को एक्सपेंड कर रहे हैं। अपने बचपन में हम तुम मूवी के कैरेक्टर को आवाज देने वाले इस चाइल्ड एक्टर ने अपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म करने के बाद 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की टीम को एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया। दैट्स नॉट ऑल, 2013 गोरी तेरे प्यार में और 2016 फितूर में भी यही असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जिसके बाद ये अपनी को फाउंडेड प्रोडक्शन कंपनी 10 क्लब प्रोडक्शंस के लिए काम करते हैं। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो मार्च 2021 में ही इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड डेलना श्रॉफ के साथ शादी की है। मतलब लाइफ में अगर कोई सेट है तो वो ये इंसान है बस। नंबर टू, जुड़वा। टन टना टन 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 टारा, गाना आज भी आपको याद होगा। पर क्या आपको ये गाना गाने वाले सलमान का बचपन याद है जिसे जुड़वा में इस बच्चे ने निभाया था? वेल, अब तो आपको याद आ ही गया होगा। और जुड़वा ही नहीं, अब तो आपको इस बच्चे के करियर की सबसे पहली मूवी मासूम और बॉलीवुड की टॉप हिट मूवी हीरो नंबर वन और जुदाई भी याद आने वाली होगी, जिसमें इस चाइल्ड एक्टर ने अपनी एक्टिंग से चांद सितारे लगाए थे। लेकिन किंतु परंतु आज ये बच्चा कैसा दिखता है जानते हो? आपको इंतजार करवाए बिना आपके सामने पेश है ओमकार कपूर, जिसे अब आप प्यार का पंचनामा 2, यू मी और घर, झूठा कहीं का जैसी मूवीज के हीरो की तरह जानते होंगे। पर सिर्फ ये मूवीज ही नहीं, आज ये एक्टर बहुत सी वेब सीरीज करने के लिए भी फेमस है। पर जानते हो इनके बारे में क्या फेमस नहीं है? वेल, इनका परिवार जिन्हें इन्होंने लाइमलाइट से दूर ही रखा है, और इसकी वजह का पता तो खुद गूगल को भी नहीं है मेरे भाई। नंबर 3, कभी अलविदा ना कहना। 2006 कभी अलविदा ना कहना में शाहरुख खान के इस बेटे ने क्यूटनेस में सबको पीछे छोड़ दिया था। पर 2017 में वायरल खबरों ने दुनिया को ये बताया कि अब ये बेटा बेटी बन चुका है। पर ना 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 ना, इस बच्चे की कोई प्लास्टिक सर्जरी या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी नहीं हुई है। ये बच्चा असल में बचपन से ही बच्ची था जिसे सिर्फ मूवी के लिए लड़के का गेटअप दिया गया था। और इसकी कमाल की एक्टिंग आपको याद ही होगी, जिसने बचपन में आपके मासूम दिल को इसके लड़का होने पर यकीन दिला दिया था। पर कभी अलविदा ना कहना, माय फ्रेंड गणेशा और वास्तु शास्त्र जैसी मूवीज में भले ही एहसास चन्ना ने लड़के का रोल किया हो, पर इस चेहरे को अब लड़का इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एहसास के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी तो जैसा मैंने बताया, ये 12 मूवीज, 16 टेलीविजन शोज और 9 वेब सीरीज कर चुकी हैं, और सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 4, कहो ना प्यार है। पता भी है ये कौन है? आप रहने दो, मैं ही बताता हूँ। ये वही बच्चा है जिसे आपने ऋतिक रोशन की पीठ पर चढ़कर उनकी डेब्यू फिल्म में घूमते घुमाते देखा था। हो गई ना याददाश्त तरोताजा। वेल, अब ये एक्टर 32 साल के हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये 2000 के बाद कभी भी पर्दे पर आए ही नहीं। ये आए लेकिन मेरे भाई बड़े पर्दे की बजाय इन्होंने अपना रुख छोटे पर्दे यानी टीवी की ओर किया था, जहां इन्होंने 2008-2010 तक मिले जब हम तुम शो में काम किया।
पर 2020 में इस स्पॉट बॉय यानी एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी न्यूज एंड इनसाइड स्टोरीज की अपडेटिंग वेबसाइट के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा था कि वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार और बेकरार हैं, यानी आने वाले फ्यूचर में शायद ही आपको बड़े पर्दे पर भी नजर आ जाए। नंबर 5, कभी खुशी कभी गम। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई वाला टंग ट्विस्टर बचपन में सबने याद किया था, है ना। लेकिन ये टंग ट्विस्टर बुलवाने वाली मालविका राज आपको शायद ही याद हो, पर मुझे है। और मैं जानता हूँ कि मूवी में बड़ी होकर पू भले ही ऐसी दिखती थी, पर आज रियलिटी में पू कुछ ऐसी दिखती है। जो 2021 में आई एक्शन मूवी स्क्वाड से फिर एक बार सुर्खियों में आई थी, और बड़े पर्दे पर मालविका का आना चौंकाने वाली बात नहीं है। मालविका असल में 144 बॉलीवुड मूवीज में पुलिस बन चुके वेटरन एक्टर जगदीश राज की ग्रैंड डॉटर हैं। एक्ट्रेस अनीता राज की भतीजी है और डायरेक्टर बॉबी राज और प्रोड्यूसर रीना राज की बेटी। मतलब ये तो होना ही था, पर मालविका की बात हो और लड्डू उर्फ कविश मजूमदार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कविश मजूमदार ने K3G से अपने करियर की शुरुआत की थी। चंदू के चाचा ने चंदू के चमचे कबूतर। साथ ही जहां लक मूवी में इनका नाम एज असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ा, वहीं गोरी तेरे प्यार में, मैं तेरा हीरो, बैंक चोर जैसी मूवीज में एज एक्टर। और इनकी तारीफ में कुछ और बताऊं उससे पहले आपको अंजलि और राहुल के बेटे यानी जिब्रान खान के बारे में बता दूं, जो एज अ मॉडल काम करने के बाद करण जौहर की ब्रह्मात्रा मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। मेरा तो यही कहना है कि K3G ने इन तीनों की जिंदगी बना दी। नंबर 6, तारे जमी पर। एक सुपरहिट मूवी के बाद बहुतों को ये लगता होगा कि एक्टर को पैसा, शोहरत और इज्जत मिलती है। हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। पर कभी कभी लोग दादागिरी के शिकार भी हो जाते हैं, जैसे दर्शील सफारी तारे जमी पर साथ, जो अब 25 साल के हो चुके हैं और ये समझते हैं कि एक एक्टर के साथ कुछ भी हो सकता है और इसीलिए उसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और 11-12 साल की उस छोटी उम्र में जब तारे जमी पर की सक्सेस के बाद उन्हें किया गया था, तब वो ये नहीं जानते थे, जिसके चलते उन्हें अपने आप को बुलीज से बचाने के लिए स्कूल से हाफ डे तक लेना पड़ा था। हालांकि जैसा मैंने कहा, अब इनकी लाइफ में सब कुछ फाइन है और इसीलिए तो ये जल्द ही आपको एक वेब शो और रत्ना पाठक शाह और मानसी पारेख के साथ एक गुजराती फिल्म में नजर आ सकते हैं। यही नहीं, दर्शील ने अपने चाहने वालों को ये भी बताया है कि भले ही उनका करियर थोड़ा लेट शेट शुरू हो रहा है, पर वो खुश है कि वो किसी फिल्मी फैमिली से नहीं है, वो अपने आप को एक ओरिजिनल स्टाइल दे पाएंगे। नंबर 7, पार्टनर। मैं मेरा होमवर्क, मेरी फाइट और मेरी माँ का ख्याल खुद रखता हूँ। अब ऐसे तेवर हो तो क्या बॉलीवुड और क्या ऑडियंस सब ही फैन हो जाते हैं, पर पार्टनर, फन्ना, माय फ्रेंड गणेशा 2, तारा रमपम जैसी मूवीज में रोल करने वाले अली हाजी का हंड्रेड्स ऑफ टीवी कमर्शियल्स के बाद पहला मूवी रोल अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी फैमिली में उनके ग्रैंड सन के तौर पर हुआ था। हालांकि इस मूवी में अली को अपने रोल के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था, और अली ने अपने उस अनक्रेडिटेड रोल से कैसे बॉलीवुड में सबको अपने क्यूटनेस और एक्टिंग दीवाना बनाया, इसकी गवाही तो ये मूवीज दे रही हैं। लेकिन अब ये सिर्फ एक्टर ही नहीं रहे। 2018 में नोबेल मैन मूवी से मेन फिल्म डेब्यू करने वाले अली 2019 से राइटर एंड डायरेक्टर भी बन चुके हैं, और हाल फिलहाल वो अपनी रिटन एंड डायरेक्टेड फीचर फिल्म #justiceforgoodcontent के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी है, जिसे उनके फैन जल्द ही एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 8, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले गए, लेकिन चुटकी यानी पूजा रूपरहल को पीछे छोड़ गए, जो अब भले ही मूवीज में नजर ना आए, पर 1990s का दौर तो इन्हीं का था। किंग अंकल, DDLJ, दिल से जैसी सभी बड़ी मूवीज में इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स का लोहा मनवाया था। पर मूवीज नहीं तो क्या, आजकल पूजा आपको सिंगिंग और कॉमेडी करती नजर आएंगी, क्योंकि अब ये एक्टर के साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन और सिंगर भी बन चुकी हैं। मतलब टैलेंट का भंडार तो यही है। नंबर 9, कोई मिल गया। और अब बात करते हैं कोई मिल गया मूवी में अपनी टूटी फ्रूटी स्माइल से सबका दिल जीतने वाली हंसिका मोटवानी की, जो कुछ सालों पहले तक साउथ की मूवी में मोस्ट ब्यूटीफुल लीड की लिस्ट में शामिल थी। पर जैसा मैंने आपसे पूछा था, आज ये कहाँ है? वेल, लोगों की आंखों से ओझल ये एक्ट्रेस आपको जल्दी महा मूवी में नजर आएगी, जो हंसिका की 50वीं फिल्म है। पर हंसिका की जर्नी ना पहले आसान थी और ना ही अब, जैसे इनका न्यूड बाथिंग वीडियो लीक, जिसके ऊपर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, और फिर हंसिका को सबके सामने आकर ये सच बताना पड़ा कि वीडियो में वो नहीं, असल में उनके जैसी दिखने वाली कोई दूसरी लड़की थी। यही नहीं, जब बॉलीवुड में हिमेश रेशमिया के साथ आपका सुरूर मूवी में हंसिका ने डेब्यू किया था, तब भी उन पर ग्रोथ हार्मोन लेने का इल्जाम लगा था। 2019 में उनके फोन और अकाउंट हैक होने के बाद उनकी बिकनी पिक्चर्स लीक होने वाली खबर का तो क्या ही कहना, और फाइनली उनकी
50th फिल्म के पोस्टर ने भी उनके लिए प्रॉब्लम का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उनके पोस्टर में वो साध्वी कॉस्ट्यूम में चिलम फूंकती हुई नजर आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया, पर मूवी डायरेक्टर जमील ने इस पर क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि वो बस कुछ यूनिक बनाना चाहते थे। उनका इरादा किसी के सेंटिमेंट्स या रिलीजन को हर्ट करना नहीं था, तो पब्लिक इसमें ऐसा कोई एंगल ना डाले। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब झेलने के बाद भी हंसिका अपनी एक्टिंग के पैशन को फॉलो करने में अपनी पूरी जी जान से लगी है। मानना पड़ेगा, जज्बा हो तो ऐसा। लेकिन ये तो अभी कुछ ही नाम है, इसी तरह कई ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारे बचपन को खुशियों के कलर से भर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इस वीडियो के पार्ट 2 को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ सकूं। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे, अंटिल देन जय हिंद।